हाय दोस्तों, नीति आयोग के सीईओ मिस्टर अमिताभ कांत ने बताया है कि आफ्टर 2030 के बाद में कोई पेट्रोल वाला बाइक या स्कूटी नहीं रहेगा। क्या आप लोग जानते हो? जी हाँ दोस्तों, ये खबर पूरी पक्की है। तो जिन जिन फ्रेंड्स है मेरा जो कि शौक़ रखते हो कि बाइक पे जो KTM का, रॉयल इनफील्ड, एवेंजर बोलो, BMW बोलो, इन सब बाइक में जिनका शौक़ है, और मान लो कि जिनका शौक़ भी नहीं है, उन सब के लिए एक प्रॉब्लम तो आ ही जाएगा, क्योंकि हम लोग ये जो बाइक अब यूज़ कर रहे हैं, इनसे हम लोग यूज़ टू हो गए हैं बहुत दिन से। तो एक नया फीचर आने वाला है इंडिया में, जो कि नीति आयोग के ओर से हम लोगों के गवर्नमेंट के पास एक सजेशन दी गई है कि 2030 साल के बाद कोई पेट्रोल का टू व्हीलर मार्केट में नहीं रहेगा। यही विषय पे आज हम लोग बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, 125 करोड़ हम लोगों की जनसंख्या है इंडिया में, और अब लास्ट ईयर में जो कि सर्वे से पता चला है कि लास्ट ईयर में 20 मिलियन स्कूटी और बाइक बिक चुका है। 20 मिलियन, क्या एक बार सोच सकते हो आप, 20 मिलियन बाइक लास्ट ईयर में बिक चुका है, जो कि वर्ल्ड का एक हाईएस्ट माना जा रहा है इंडिया में, जो कि बाइक का सेल हुआ है लास्ट ईयर। और इसके दौरान पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इंडिया में। नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, जो कि ओपन किया गया था 1 जनवरी 2015 को, और जिनका मोटो है कि कैसे नेचुरल जो ग्लो है वो इंडिया में ला जा सके, नेचुरल तरीके से इंडिया को मजबूत बना सके, जो गवर्नमेंट को सजेशन देता है कि कैसे नेचुरल तरीके से ये कर सकते हम, वो कर सकते हम। तो जो नीति आयोग है, इनका जो चेयरमैन है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, और इनका जो परमानेंट मेंबरशिप जिनको मिलता है वो है हर स्टेट का चीफ मिनिस्टर इनका परमानेंट मेंबर होता है। और अभी नीति आयोग का जो सीईओ है, उनका नाम है अमिताभ कांत। तो इन सब मेंबर्स वालों ने मिल के एक डिसीशन पे आया है। दिन ब दिन बाइक और स्कूटी का जो मात्रा बढ़ता ही जा रहा है, तो इनके ऊपर कैसे काम कर सके, क्या कर सकते कि पॉल्यूशन थोड़ा कम हो, इसके लिए उन लोगों ने सोचा है कि 2025 में से मार्केट पे इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक का सेल करना शुरू कर देगा गवर्नमेंट के ओर से, और 2030 के बाद कोई पेट्रोल का बाइक मार्केट में नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों, यही बात सच है, 2030 के बाद मार्केट में कोई टू व्हीलर और स्कूटी नहीं रहेगा। यही पर काम अभी चालू है। इसके लिए लास्ट जो फ्राइडे है, उन फ्राइडे को नीति आयोग का कुछ मेंबर बातचीत करने गया था मोटर बाइक कंपनीज वालों के पास, जिसमें हीरो मोटर का, बजाज ऑटो और TVS जैसे कंपनी जिसमें शामिल था, और उन लोगों के साथ उन्होंने बातचीत किया कि कैसे हम ये प्रोजेक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं कि इंडिया में से हर एक पेट्रोल का बाइक उठा सकते और उनके बदले में इलेक्ट्रिक बाइक में कन्वर्ट कर सकते और देश को एक अच्छी नेचुरल ग्लो दे सकते हैं, जिसमें कोई पोल्यूशन वगैरह नहीं रहेगा। तो इसके विषय पर ध्यान देने के लिए उन लोगों ने जो कंपनीज इंडिया में अभी उनका मार्केट है, तो उनके साथ बात करने गया था। काफ़ी टाइम बात करने के बाद उन लोगों को बताया गया है कि आप लोगों को 2 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं हम, आप जो इंटरनल चैनल है उनको काम पे लगाइए कि कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, और 2 हफ्ते के बाद आप आइए हम लोगों के पास और बताइए आपका क्या विचार है इस विषय पे और आप क्या इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात होगी, और इंडिया में अगर इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया में और अभी इतना ज़्यादा बाइक है इंडिया में जो कि चल रहा है रोड पे,
तो उन सबको बंद करके एक नया नया इंडिया अगर बना सकते हैं, जैसे कि नोटबंदी हुआ था तो पुराना सब नोट बंद करके पूरा के पलट दिया था, तो अगर बाइक भी बंद हो जाएगा तो वैसा ही कुछ होएगा, लेकिन मेरे ख्याल से उससे भी ज़्यादा होगा, क्योंकि बाइक एक मैनुअल चीज़ है। इतना सारा बाइक कहाँ ले जाएगा और क्या करेगा इनका, ये कैसे हम बेचेंगे, क्या करेंगे, क्या करना होगा, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन अभी मुझे अपडेट तो मिला था, इसके लिए मैंने ये जो कॉन्सेप्ट है जो कि नीति आयोग की ओर से गवर्नमेंट के पास बताया गया है, और अगर ये अप्रूव हो जाता है तो आफ्टर 2025 के बाद मार्केट में सेल होना स्टार्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक बाइक का, और आफ्टर 2030 के बाद हर एक पेट्रोल बाइक हो जाएगा बैंड और नया बाइक का हो जाएगा शुरुआत इलेक्ट्रिक बाइक का। तो आशा करते हैं हम ऐसा ही हो, और जो भी हो देश के लिए अच्छा हो, जो भी हो हम सब के लिए अच्छा हो, यही दुआ करते हैं। और इसी दुआ के साथ आज का वीडियो में बस इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।